तो भाई यहाँ पे बनने जा रहा है चटनी जो होती है ना मीठी वाली, जो टिक्की के साथ भी यही यूज होती है ना भैया, टिक्की गोलगप्पे में, सब में, गोलगप्पे में, चीले में, चीले में, जितने भी चाट के आइटम होते हैं सबके अंदर यही चटनी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आपने ये अमचूर ले रखा सूखा, ये कितने किलो है? ये भैया 2 किलो अमचूर। 2 किलो अमचूर में, और ये जो पानी है कितना पड़ेगा इसके अंदर? ये मैक्सिमम 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी जाएगा। और कितने घंटे उबालना भैया? से भैया आधे घंटा इसको उबालना पड़ता है। आधे घंटे? तो भैया तेज आंच में उबालेंगे या वैसे मीडियम में? तेज आंच पे आधे घंटे के अंदर इसको उबाल के फिर इसकी पिसाई करेंगे। चलिए ठीक है, इसको उबलने देते हैं आधे घंटे तक। जब ये उबल जाएगा उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। वैसे तो उसको पीसेंगे, बट जो मेन मसाले वो स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, इसको पहले उबलने देते हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो हमारा अमचूर पिस चुका है अच्छे से, सॉरी उबल चुका है अच्छे से, ये देख लो। ठीक है, अब इसको पीसने की बारी। यहाँ पे देखो अभी ये यहाँ पे अदरक लहसुन को पीस रहे हैं, तो इसको पीसना है। इसमें सारा पानी यूज़ नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, ये जितना आपको दिख रहा है ये वाटर, एक्सेस वाटर ये हटा देंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको पीसते हैं। तो भाई यहाँ पे देख लिया था किस तरीके से इसको पीसना है। यहाँ पे थोड़ी सी धूप हो रही है, भैया क्या डाल रहे हो इसमें? सॉल्ट पाउडर भैया, सॉल्ट का पाउडर है। ये कितना जाएगा भैया? लगभग 200 ग्राम 200 ग्राम जाएगा इसमें। ठीक है, सॉल्ट का पाउडर ये 100 का पीस लगाना चाहिए, 100 का लगा लो, और साबुत लगाना चाहिए। ठीक है, सौंफ जाएगी या फिर साबुत डाल दो या पीस के डाल दो, ये कितना जाएगा भैया? 100 ग्राम 100 ग्राम जाएगा आपका सौंफ। ये लाल मिर्च कुटी हुई, ये भी 100 ग्राम ये भैया 200 ग्राम का, 200 ग्राम आपकी लाल कुटी हुई मिर्च। ये जाएगा आपका काला नमक 100 ग्राम 100 ग्राम आपका काला नमक, और ये आपका सफ़ेद नमक 50 से 100 ग्राम ये भी आपका सफ़ेद नमक। और नेक्स्ट जाएगा इसमें ये चटनी है ना भैया? हाँ जी भैया, चटनी है। ठीक है, ये जाएगा आपका मगज और काजू। ये कितना होगा भैया टोटल? ये भैया 200 ग्राम 200 ग्राम होगा, जिसमें से 40 से 50 ग्राम आपके काजू होंगे, 150 ग्राम आपका मगज रहेगा। ये मोटा वाला मगज है। इसके बाद हम इसको गैस पे रखेंगे। अब इसको गैस में रखेंगे और इसको पकाएंगे भैया जी। कितनी देर? 5 मिनट। इसमें कुछ पानी वानी? एक जग पानी। ठीक है, इसमें एक जग पानी डलेगा और 5 मिनट के लिए इसको हमने पकाना है। ये लो डल गया एक जग पानी, और बस भैया 5 मिनट पकाना है। बस 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट बता, मुश्किल से 5 मिनट इसको पकाना है। ये भैया ने डाल दिया इसमें कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालो, बट लेकिन शादी पार्टी में यार थोड़ा दिखने में अच्छा होना चाहिए ना, तो इसलिए डलता ही है। तो भैया आज कैसे रखेंगे, तेज में पकाएंगे या मीडियम में? तेज पे पकाना है अपने, सिर्फ 5 मिनट। इसमें चीनी भैया पहले से डाली हुई मैंने रिकॉर्ड करा था, चीनी रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे यार इमली डालने से पहले चीनी भी डाली थी भैया ने। तो भैया चीनी कितनी गई थी? चीनी भैया 8 किलो 8 किलो चीनी। ठीक है, तो वो चीनी पहले ही डल चुकी थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। बस इसको अब इसको 5 मिनट पकाना है और ये आपका बनके फिर डन है भैया, रेडी है फिर डन है। तो चलिए इसको हिलाते रहना, मतलब चीनी घोलनी है एट दी एंड, बस ये 5 मिनट तक आपने चीनी घोलनी है इसकी। तो चलिए होने देते, फिर जब एंड में आएगा तब दिखा दो। तो भाई यहाँ देखो 5 मिनट हो चुके भैया, एक बार रुकेंगे, ये देख लो भाई शक्ल देख लो, जैसे होती है ना शादियों में चटनी की, टिक्की के साथ, गोलगप्पे के साथ, ये चटनी आपकी बनके बिल्कुल रेडी है। तो अमचूर वाली चटनी है ये। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।